ये रहा हमारा टाइम स्क्वायर। अब यहाँ पे पता नहीं किस चीज़ का क्यू लगा हुआ है। चलिए चल के देखते भाई, हमारी तो भाई लोग वॉकिंग है यहाँ पे, अपनी तो राइट हो रखी है भाई साहब जी के साथ फोटो खिंचाने के लिए। नहीं ये क्यू जा रहा है कहीं और जा रहा है, आई डोंट नो, ज़रूर जाके देखेंगे पीछे ये क्यू किस चीज़ का है। और फाइनली हम टाइम स्क्वायर में हैं। जनरली बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है ये, काफ़ी क्राउडेड है, बहुत क्राउडेड है ये। सो यहाँ हम खाएंगे हॉट डॉग और बहुत ही छोटी सी ये काट लगी है, छोटा हॉट डॉग $4 का और बड़ा हॉट डॉग $6 का। काफ़ी छोटी छोटी काट तो यहाँ पे लगी हुई हैं, बट मेरे ख्याल से सब जगह ये हॉट डॉग ही मिल रहा है। अगर कहीं बर्गर सैंडविच मिला तो शॉर मैं वो भी ट्राई करने वाला हूँ। और ये बचपन जो हम खाते रहे बुड्ढी माई के बाल जो चीनी के साथ जो बनता है, ये शायद से ये वही है। इन्होंने मस्टर्ड डाली, केचप डाली और ये हमारा बर्गर रेडी, हॉट डॉग रेडी है। काफ़ी बढ़िया, तो चलिए खाते हैं हम इसे पहले। तो स्लाइड्स में आपको अभी मैं आपको स्लाइड्स में दिखाऊंगा। यहीं पर खड़ा था, जस्ट बिन में अपना लाइट टिश्यू वगैरह डाल ही रहा था मैं कि पीछे से मुझे उन्होंने खींच लिया। यहाँ पे जो ड्रेस पहन के खड़े होते हैं, मुझे पता नहीं उनका नाम क्या होता है, सो ड्रेस पहन के खड़े, उन्होंने मुझे खींचा, ये लेट्स क्लिक अप, एक लेट्स क्लिक, आ जाओ ठीक है, आ जाओ आ जाओ लपेट लो। सो पिक्चर क्लिक करी, मुझे पता तो था कि कोई तो पंगा है, कोई सीन तो है। उसके बाद साथ में उसने मुझे अपना कुछ कार्ड दिखाया कि टिप्स प्लीज़। अब भाई इंडिया के हिसाब से तो हम देखा जाए तो भाई हम टिप मतलब बहुत ही कम थी, लेकिन मुझे अभी था यार नहीं यार, क्या ही $1 की टिप क्या ही होती है। तो मैंने जनरसली $10 निकाल दिए, मुझे दुख तो हो रहा है भाई, ₹700 मेरे चले गए। चलो ठीक है, घूमने फिरने आए हैं, $10 की टिप दी उनको। अभी जब उसने मुझे दिखाया नहीं $20, मैंने कहा थैंक यू सो मच और मैं निकल गया। इस बात का बिल्कुल खास ध्यान रखिए, कोई भी अगर आपको ये खींच रहे हैं सी नेसेसरी नहीं है, आप उनको थैंक यू सो मच कह के निकल भी जाओगे, बट हम इंडियंस ना थोड़े वो दिल के बहुत छोटे होते हैं, हमें शर्म आ रही थी कि नहीं यार फोटो खिंचाइए, हमें कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। सो इफ़ यू वॉन्ट टू अवॉइड दैट, प्लीज़ जस्ट से देम नो थैंक्स अलॉट, थैंक यू दैट्स इट। उनके साथ फोटो क्लिक बिल्कुल भी मत करवाइए। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। और ये डिज्नी का लगता पूरा सेक्शन है वहाँ पे, या ये पूरा डिज्नी का सेक्शन है। और ये फॉरएवर 27, क्या बात है भाई, इंडिया में फॉरएवर 21 है और यहाँ पे फॉरएवर 27 है। सो इन टाइम्स स्क्वायर ऑन एवरी स्ट्रीट कॉर्नर यू विल फाइंड दीज टाइप ऑफ फूड कार्ट्स एंड यप, द हॉट डॉग विच आई हैड वॉज रियली अमेजिंग। One thing I have noticed that pickled onions, they are very common. Yesterday I had a pork burger and there was pickled onions, and today now I had hot dog and the same was there, pickled onions. The taste is really really good and mustard sauce is really different what we have in India. Generally bahut hi zyada acha hai, mujhe bhai bahut hi zyada acha laga hai. हर जगह कुछ ना कुछ तो भाई नज़र आ, मतलब हैपनिंग है काफ़ी ज़्यादा। सो यहाँ पे कुछ एज इन साइट सीन नहीं है, बट ये अपने आप में ये इतना हैपनिंग और इतना लाइवली है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और सामने लिखा है न्यूयॉर्क सिटीज बेस्ट हॉट डॉग्स, लेट्स सी हम वहाँ पे कब जाते हैं। अब तो यहाँ पे हम ऐसे ही घूम रहे हैं,
सो टाइम स्क्वायर से निकल गई और रास्ते में मुझे ये दिखा एप्पल का स्टोर, एप्पल फिफ्थ एवेन्यू लिखा हुआ है यहाँ पे। स्टोर है क्या है, फैसिलिटी है, आई डोंट नो। बहुत ही बढ़िया है। और ये है सेंट्रल पार्क। सो ये अब हमारा जो फाइनल स्टॉप आया है वो है मेसीज। सो गाइस लास्ट आपने यही देखा कि मैं वहाँ पर घूम रहा था और आपको एप्पल का स्टोर देखा, उसके बाद मैं गया खाना खाने के लिए। खाना खाने के लिए मैंने आपको मतलब उसको कुछ खास दिखाया नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था वो खाना मैं अपने लिए खुद इन्जॉय करने वाला हूँ, तो मैं उसमें कोई वीडियो रिव्यू नहीं डालने वाला। अब इसके बाद हम यहाँ पर आए हैं वापस, हमने ट्रेन चेंज करी है और मेसीज में आए हैं। ये स्टोर 7th फ्लोर ये स्टोर बना हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे शॉपिंग सेंटर या कुछ चीज़ें हैं आप सोच भी नहीं सकते। सो बेसिकली हम यहाँ पर शॉपिंग करने देखने ऐसे ही आए हैं। इसके बाद मेरी बैटरी बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएगी, सो इसके बाद मैं शायद ही कोई व्लॉग बना पाऊँ। अगर हो पाया तो मैं सिर्फ फोटो नॉर्मली क्लिक कर लूँगा। बाकी हमारा ये लास्ट स्पॉट रहेगा आज का, तो हम इसके बाद हम आपसे कल मिलेंगे। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय अगली वीडियो, और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए। थैंक यू, ओके, टाटा बाय बाय।